गुड मॉर्निंग सत शीक आदा नमस्कार वनकम जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा कहते हैं डॉक्टर पर काम करता हूँ मैं सारे उल्टे सीधे चलो एनी जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ है ना अपने आपको बदल नहीं सकता तो बताता हूँ पहले आज के गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ क्या है मालूम है गुड न्यूज़ सबसे पहली है कि केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं इवन 2020 के रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि केसेज इतने कम हो गए लेकिन दिल्ली के लिए कुछ चिंताजनक खबर है क्या जी हाँ बिल्कुल है और जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है उनके लिए भी एक बुरी न्यूज़ है क्यों है यह कोवैक्सीन की कंपनी भारत बायोटेक के लिए बुरी न्यूज़ है क्यों है बताऊँगा ठीक है तो चलो आज की खबर शुरू करते हैं और पहले बता दूँ कि मैं बंदा परवर थाम प्यार फिर आया हूँ ये गाना पूरा नहीं गाऊंगा सीधी खबर बताऊंगा सात सौ पचानवे केसेज आए हैं बहुत ही कम है बारह हज़ार एक्टिव केसेस देखो ये मंगलवार है और मंगलवार को होता है वार हनुमान जी का वार इसलिए नहीं इसलिए कि टेस्ट कम होते हैं संडे को और 58 डेथ हुई है फिफ्टी डेथ फिर वही कहानी केरला की जुबानी छप्पन डेथ केरला ने अपनी पुरानी घुसेड़ दी है अब केरला वासी बोलते हैं सर हमेशा केरला की बुराई का तो भाई मैं नहीं कर रहा भाई जो आंकड़े वो बता रहा हूँ जब दूसरों के आंकड़े आएंगे तो उनकी बुराई भी करेंगे बुराई क्या करेंगे सच बताएंगे आपको बुराई लगती है तो बहुत अच्छी बात है कोई बात है नहीं वड्डे लोग वड्डी गल्ला ठीक है तो अट्ठावन डेथ हुई हैं जिसमें छप्पन डेथ केरला ने दी है अपनी और सिर्फ पूरे इंडिया में दो डेथ हुई हैं इसका मतलब भाई ये तो ख़त्म ही हो गया कोरोना ऐसा लग रहा है लेकिन दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर नहीं है बताऊँगा क्यों पहले बता दूँ ये सात दिन का रिकॉर्ड टूटा है जो एक हज़ार से कम केसेज इतने कम आए हैं और एक करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं केरला में दो टू फिफ्टी सिक्स हैं महाराष्ट्र में फिफ्टी कर्नाटका थर्टी है तमिलनाडु ट्वेंटी वन आंध्रा एक ओनली वन यूपी 16, वेस्ट बंगाल 12, और हरियाणा 49, नाइन ओडिशा पाँच राजस्थान आठ गुजरात नौ और एम पी तीन बिहार एक बहुत सारे राज्य हैं जहाँ एक एक केसेज बहुत जगह है ही नहीं तेलंगाना सत्रह पंजाब पाँच मिजोरम एक सौ पच्चीस हिमाचल बारह गोवा चार झारखंड जा, एक जम्मू कश्मीर दो और नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट गायब ये मिज़ोरम और मणिपुर को छोड़ के लेकिन दिल्ली के लिए पहले बता दूँ मुंबई से गुड न्यूज़ क्या है मुंबई से ख़राब खबर ये एक अच्छी खबर है मुंबई में 12 से 14 साल वाले बच्चों को जो वैक्सीन लग रही है उसमें मुंबई महाराष्ट्र में सबसे पीछे है कोई बात नहीं लेकिन मुंबई में केसेस वो भी सबसे पीछे मुंबई में सिर्फ 18 केसेस आए हैं आप सोचिए मार्च 2020 का भी रिकॉर्ड टूट गया है मुंबई में तो क्या है दिल है मुश्किल जीना यहां जर हट हटके जर बच के ये मुंबई मेरी छे अब अठारह कैसा है क्या बच के चले चलो दिल्ली की नहीं क्यों ऐसी तैसी करा रखी है देखो पता नहीं क्या बात है मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में कहीं कही ना कोई नया वेरिएंट एंटर कर चुका है सच बता रहा हूँ ये आपको हो सकता है आज से दस पंद्रह दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ता जा रहा है पॉइंट फाइव से हो पॉइंट सेवन हो पॉइंट सेवन से एक एट हुआ फिर आज वन पॉइंट थ्री फोर है सोचिए केसेज भले ही आपको बयासी नजर आ रहे हो हालांकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से भी ज़्यादा केसेस दिल्ली में हैं इसके बाद इसके पड़ोसी हरियाणा में भी ज़्यादा हैं ऐसा क्यों है पड़ोस में तो बाकी राज्य भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि और सबसे पहले दिल्ली में ही आता है कोविड का कोई नया रूप और जाता भी सबसे बाद में ऐसा क्यों है सारी फ्लाइट्स इसका मतलब दिल्ली में आती है सबसे पहले मुंबई में दिल्ली में और कंजस्टेड है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ तो दिल्ली की कहानी मैं पहले से अलर्ट करता रहता था कल भी अगर आप मेरा हेडिंग देखें तो मैंने लिखा हुआ था दिल्ली अलर्ट पर तो अभी भी बोलूंगा दिल्ली अलर्ट पे ही है जब तक पॉजिटिव रेट वापस नॉर्मल नहीं हो जाता तो आने वाला एक हफ्ता थोड़ा सा क्रूशियल है दिल्ली के लिए और अगर दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे तो भाई पूरे इंडिया में केसेस बढ़ सकते हैं तो देखने वाली होगी कि दिल्ली क्या बनाता है करोना का करोना को भीगी बिल्ली या लगाता है माचिस की तिल्ली वाह ये तो राइम हो गई वाह 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 डॉक्टर कार्ला यू आर ग्रेट अपनी तारीफ को देख गढ़ लो वैसा कि नहीं नही मेरी तो दिल्ली की बस दिल्ली की बस कहाँ जाएगी अब मेट्रो जाएगी मेट्रो जाती नहीं बन जाए बाग में क्या जाती होगी पता नहीं मुझे खुद ही नहीं पता अगला स्टेशन पंजाबी बाग हैं पंजाबियों को छोड़ के बाकी सभी लोग बैठे रहें दरवाजे बाई तरफ खुले रहें दरवाजे पांच तरफ खुलेंगे सारे पंजाबी बैठे रहें बाकी उतर जाएं <laughs> कोई फ़ायदा हुआ इसको बोलने का को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना

ये बोल दिया वहां पे भगवंत सिंह मान ने मतलब तो कोई रह ना जाए अब सरकार बनी नहीं है लड़ाइयाँ पहले शुरू हो गई चंडीगढ़ को लेके एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं हम सब मेरा चंडीगढ़ मेरा चंडीगढ़ मेरा चंडीगढ़ चंडीगढ़ ने इधर बोल दिया भाई मास्क लगाने की जाती है कोई फाइन नहीं होगा निकल लो तो चंडीगढ़ में भी एक अच्छी खबर ये है कि भाई फ़ाइन नहीं लगेगा मास्क लगाने पर <laughs> लेकिन इधर से सब एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं मेरा चंडीगढ़ मेरा चंडीगढ़ मेरा चंडीगढ़ यार क्या कर देंगे देश को कभी भाषा के नाम पे कभी क्षेत्र के नाम पे कभी शहर के नाम पे कभी मेरी राजधानी के नाम पे कभी कास के नाम पे कभी धर्म के नाम पे ये बता ही देगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुद्दों से भटकाने का एक वो है ऐसा लग रहा है प्रयास है है ना मेरी तो यही बोलती है तीसरी इंद्री जब मुद्दे ना हो तो कोई और मुद्दा बना दो मुद्दा है मुद्दा मुद्दे के पीछे चलो असली बात बताता हूँ ये पॉलिटिक्स में क्यों घुस जाता हूँ मैं पता नहीं क्यों वैक्सीन जी हाँ वैक्सीन के लिए बुरी खबर है कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक की सस्पेंड कर दिया उनकी सप्लाई को डब्ल्यू ने उनका भाई हम नहीं लेंगे थारे यहाँ में को घोटाला है जो आपकी तेलंगाना यूनिट है उसमें कोई लोचा है अब वो कह रहे हैं जी हमने पेपर सबमिट कर दिया है ये रूटीन इंक्वायरी है फलाना ढिमका जो भी है कुल मिला के अच्छी खबर नहीं है हालांकि कोवैक्सीन के निर्माताओं का कह रहे हैं कि इस पर हमसे हम पे इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई हिंदुस्तानी हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमें कॉफी रखना पड़ता भाई एक बुरी खबर आ रही है एक एच की पेशेंट थी तेईस साल की जिन्होंने पंद्रह साल के लड़के का रेप करके उसको जानबूझ के को एड्स फैलाने की कोशिश करी ये बात आ रही है ऊधम सिंह नगर से जम्मू के तो शायद मेरे ख्याल से ऊधम सिंह नगर से आ रही है पता नहीं जम्मू का है कहाँ लेकिन ये बात सच है कि तेईस साल की एक एच पॉजिटिव लेडी ने एक पंद्रह साल के बच्चे को जब जबरदस्ती रेप किया हाँ भाई माइनर है तो कोई भी कर सकता है आदमी कर सकता है औरत कर सकती है बच्चे के लिए वो तो बच्चा ही था ना माइनर तो बहुत ही अजीबोगरीब खबर है सुनाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है लेकिन हाँ अब कंधे से कंधा मिला के सब चल रहे हैं <laughs> क्या बोलूँ और दिल्ली में काफ़ी सारे कोविड सेंटर बंद कर दिए गए को केसेस कम हो गए तो चार हज़ार छः सौ छब्बीस जहाँ पर सेंटर थे अब आठ सौ पिचहत्तर रह गए हैं सिर्फ बड़ी अच्छी बात है सालों की ठीक है तो ये अच्छी खबरें थी आज की और अब एक हमारी जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है हैदराबाद बेस वो अब टेक्नोलॉजी लेगी मैसेजर आर वैक्सीन वे बनाने की किससे डब्ल्यू से डब्ल्यू देगा पता नहीं डब्ल्यू एच ओ के जो टेक्निको टेक्नो टेक्नोलॉजी हब है वहाँ पे उनसे ये ली जाएगी मैसेजर आरानी वैक्सीन बनाई जाएगी कब आएगी कोविड के बाद हमें <laughs> कोविड जाने वाला थोड़ी है अब जिंदगी भर यहीं रहेगा लगवाते रहो ठुकवाते रहो चलते रहो चलता चल तू चलता चल चल केला चल केला चल केला खाओ केला सुबह सुबह और चल अकेला एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है ये है राहुल जी के गुड न्यूज राहुल गांधी जी के लिए गुड न्यूज़ और उन सब के लिए भी जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा न लायक है ऐसा नहीं है भाई हीरे की परख सिर्फ जोहरी जानता है कई बार माँ बाप को भी नहीं पता होता कि मेरा हीरा कितना लायक है लेकिन राहुल गांधी जी को बहुत लोग चाहते हैं इस देश में और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले चाहते हैं तो इन्हीं में से चाहने वालों में से एक रिटायर्ड टीचर थी धनबाद में सॉरी देहरादून में मुंजयाल करके कुछ जो भी थी उन्होंने अपनी पचास लाख रुपए अपना सब कुछ सोना गहना जमीन एफडी सब राहुल गांधी को अपनी जायदाद उनके नाम कर दी हाय कोई हमें भी पहचान जाए मैंने इतने लोगों को कोविड में हेल्प करी किसी ने अपनी जायदाद मेरे नाम नहीं करी किसी ने पद्मश्री नहीं दिया और तो और अनसब्सक्राइब कर देते हैं अब तो लोग मुझे कोई प्यार नहीं करता सच्चे बोरिंग सच्चे बोरिंग डे सच्चे चैनल क्या करूं मर जाऊं मरना क्यों है यार ये है ना आपको पकाता रहता हूं चल पकेला चल प... यार छोड़ो वैसे बहुत पका दिया आपको आज आपका शशि कपूर चलता है लेकिन आज बिना गाना सुनाए मैं नहीं जाऊंगा और क्या तो शक... एक अपने शक्ति कपूर शक्ति कपूर यार दिमाग का देंगे शशि कपूर जी का एक गाना है जो मेरा फेवरेट है और जो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस बुरे वक्त में जब कोविड के बाद तो ये गाना आप भी गाइएगा और अपनी बाइक उठाइएगा अगर नहीं बाइक है तो ऐसे बाइक बना लीजिएगा और ऐसे से लेके चलिएगा मुकद्दर का सिकंदर की तरह तो गाना है एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं ये खत्म किसी निशान पे जो जम गए वो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जी हाँ जो थम गया जो डर गया वो घर गया और जो आगे बढ़ गए वो मंजिल पा गए तो आगे बढ़ते रहो मंजिल को पाना है तो रास्ता बदल लो मंजिल बदलनी नहीं चाहिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मंजिल पे जाना मुश्किल हो रहा है तो रास्ता बदल ले भाई अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर ले अपना रास्ता बदल ले कुछ कर मेहनत कर कुछ डिफरेंट कर मंजिल तक पहुँच जाओगे ठीक है बाद में छोटा मोटा मोटिवेशन दे जाता हूँ अपनी बकवास गानों के द्वारा तो इसी समय लोग इसको बंद कर देते हैं जबकि सबसे काम की बात सबसे आखिर में ही होती है कुछ लोगों को ये पता नहीं होता ज़िंदगी की कई बार आपको आखिर में जाके पता चलता है ज़िंदगी क्या है है ना जब तक तो वह जिंदा रहते हो आपको पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या है मरने के टाइम पर पता चलता है कि भाई मैं ज़िंदा था हा, 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 हा। बड़ी बड़ी बातें ये छोटा भत्ता क्या रहता है बड़े बड़े गुरु भी क्या बताएंगे जो मैं बताता हूँ आपका अपना डॉक्टर नमिता नंद महाराज शून्य 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 जीरो थ्री फाइव सेवन सिक्स मेरी गाड़ी का नंबर है मोबाइल नंबर तो वैसे भी आपको पता है मेरा मोबाइल बना रखा है सब ने चलो चलता हूँ टन 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 टन, टन 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 ट चलती है क्या नौ से बारह क्लिनिक का है टाइम है भाई नौ से बारह है चलो बाय थैंक यू आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा